इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की, ठीक है, कि ब्लड वेसल्स कितने तरह की पाई जा रही हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहली जो ब्लड वेसल है उसको हम कहते हैं आर्टरीज़। आर्टरीज़ बेसिकली ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। जो आर्टरीज़ हैं वो तीन रीजन्स में डिवाइडेड होती हैं। जो बाहर की लेयर है दैट इज़ कॉल्ड एज ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये जो मिडिल लेयर आप देख रहे हो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्यूनिका मीडिया, और जो इंटरनल लेयर आप देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ट्यूनिका इंटरना। ये अंदर की कैविटी है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, और इसी ब्लड कैविटी के अंदर ये आप ब्लड सेल्स यहाँ पर देख सकते हो। सो ये जो अंदर की कैविटी होती है किसी भी ब्लड वेसल, यानी कि स्पेशली अगर हम आर्टरीज़ की बात करें दैट इज़ कॉल्ड एज द ल्यूमेन, जो इसमें टर्म हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द इंटरनल कैविटी ऑफ एनी ब्लड वेसल, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। सो अब इसके बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं। जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो मस्कुलर वॉल्स हैं वो काफ़ी थिक होती हैं। रीजन, क्योंकि इनमें ब्लड कैसा फ्लो करता है, काफ़ी थिक ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, दैट इज वाई। इनका जो ल्यूमेन का रीजन है, सेकेंड पॉइंट, इनमें नैरो ल्यूमेन पाया जाता है। नैरो मतलब कोई चीज़ अगर सकरी या पतली होती है उसको हम नैरो कहते हैं। नैरो किस लिए, ताकि जो ब्लड है वो इतनी हाई इंटेंसिटी में फ्लो करता है, हाई प्रेशर में फ्लो करता है, तो ब्लड को ज़रूरी है कि वो धीरे धीरे स्टेप अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ बढ़े। एकदम से हाई प्रेशर में अगर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर में फ्लो करेगा ब्लड तो ब्लड कैपिलरीज या फिर आर्टरीज़ के बर्स्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लड फ्लोज इन पार्ट्स, सेट्स में ब्लड फ्लो करता है, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट, इसमें किसी भी तरह की कोई वैल्व पाई नहीं जाती, क्योंकि इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करने का कोई रिस्क नहीं होता, दैट इज़ वाई आर्टरीज़ में अंदर की तरफ किसी भी तरह की कोई भी वैल्व देखने को नहीं मिलती है। आर्टरीज़ जो होती हैं वो हमारी बॉडी के डीपर लोकेशंस में पाई जाएंगी, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स या जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, टिश्यू फ्लूइड के स्पेसेस हैं, वहाँ पर डीप लोकेशंस में आर्टरीज़ होती हैं, और ऊपर की सरफेस में दूसरी ब्लड वेसल्स होती हैं। और मैंने अभी आपको बताया इनमें ब्लड कैसा फ्लो करता है, हाई प्रेशर में, बिकॉज ब्लड कैसा है, थिक है, एंड इट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वेन्स। ठीक है, वेन्स क्या है, कैरी करती हैं ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड कैरी करती हैं। इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हो, एक्सटर्नल लेयर इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल लेयर इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका मीडिया, एंड द इंटरनल लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका इंटरना। इसमें आप ल्यूमेन देख सकते हो, काफ़ी ब्रॉड है, इसको हम कहते हैं वाइडर ल्यूमेन। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इनकी जो मस्कुलर वॉल्स है वो काफ़ी पतली होती हैं, थिन वॉल्स होती हैं, बिकॉज इनको इतना एफिशियंटली ऑक्सीजन रिच ब्लड तो ये कैरी नहीं करते, सो दैट इज़ वाई इनका जो ब्लड वेसल है वो कैसी, उसकी वॉल्स कैसी होंगी, पतली होंगी। ल्यूमेन कैसा है, वाइडर है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड तो है नहीं, वो यूनिफॉर्मली फ्लो करता है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको अभी समझा दिया। नेक्स्ट, थिन वाल्व्स पाई जाती हैं इसमें। ठीक है, जो वेन्स का अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बताऊँ, अगर ये आप वेन एक वेसल अज्यूम करिए तो इसमें कुछ इस तरह की वाल्व्स होती हैं, किस लिए, ताकि ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो ना करे, राइट। तो इसीलिए जो वेन्स होती हैं इनमें छोटे छोटे वाल्व्स कहीं ना कहीं पाए जाती हैं, ताकि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस ना आए। इनमें जो ब्लड फ्लो करता है वो लो प्रेशर में होता है, और उसके अलावा जो वेन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अपर सर्फेसेज, ऊपर की तरफ उभरे हुए स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, रीजन्स में।